हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं मुंबई पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर भाई जी ने कमेंट किया था, उनका नाम है मस्जिद मौला जी। वो पूछते हैं, सर हाउ टू स्टार्ट डीपी क्रॉस हैचरी, एंड उन्हीं का दूसरा सवाल है वेयर आई विल गेट दिस बर्ड। ये पूछ रहे हैं कि मुझे डीपी क्रॉस के हैचरी का बिजनेस शुरू करना है तो मुझे किस तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, साथ ही साथ मुझे इसका पेरेंट स्टॉक या फिर इसके चिक्स कहाँ से मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको हैचरी का बिजनेस करते समय कौन सी बातें ध्यान में देना होता है, पेरेंट स्टॉक रखते समय कौन सी बातों का आपको ख्याल में लेना होता है, इसी रिलेटेड आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पीडीएफ ईबुक का हम इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों, जो भी भाई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी अभी नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू किया है, उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। स्क्रीन पे जो आप पीडीएफ ईबुक देख रहे हो, अगर इस ईबुक को आप पूरा पढ़ लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि पोल्ट्री के रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उनमें से 90% सवालों का जवाब आपको ये ईबुक पढ़ के मिल जाएगा। ये बुक मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपीरियंस से लिखा है। इस बुक में मैंने डिसीज मैनेजमेंट, मेडिसिन मैनेजमेंट, बायो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रूडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। वैसे इसके हार्ड बुक की कीमत 200 रुपीज है, लेकिन इस हार्ड बुक के पीडीएफ फॉर्मेट वाला बुक आपको मात्र 50 रुपीज में मिल जाएगा। अगर आपको ये बुक लेना है तो स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। देखिए दोस्तों, अगर आप हैचरी या फिर इंक्यूबेटर आपके घर पे लाओगे और आपका एक मोटो है कि आपको इंक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल के हैचरी का बिजनेस स्टार्टअप करना है, ठीक है ना, तो आपको कुछ 2-3 बातों को ख्याल में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, आपका खुद का पेरेंट स्टॉक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 2, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का आपको मैनेजमेंट करना आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 3, विदाउट एक्सपीरियंस कभी भी हैचरी का बिजनेस स्टार्टअप मत कीजिए। पॉइंट नंबर 4, मिनिमम हैचरी का तो आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पेरेंट स्टॉक के लिए आपको पोल्ट्री का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए कम से कम 4-5 बैचेस एक ट्रायल बेसिस पे या फिर एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको पोल्ट्री स्टार्टअप करना होगा। उसके बाद ही आपको कुछ आइडिया आएगी पोल्ट्री का मैनेजमेंट किस हिसाब से करना है, उसके बाद आप हैचरी का बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, विदाउट आपके पास कस्टमर हुए, मतलब जो भी आपके इंक्यूबेटर से चिक्स निकलेंगे उसको बेचने के लिए आपके पास अगर कस्टमर ही नहीं है, तो अगर आप डायरेक्टली इंक्यूबेटर मशीन में 10,000 अंडे लगा दोगे तो आपसे चिक्स कौन लेगा। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट है जो आपको मुख्यतः ध्यान में देनी होती है। अभी बात कर लेते हैं डिटेलिंग में, ठीक है ना। देखें, इंक्यूबेटर मशीन का बिजनेस आप करना चाहते हो, हैचिंग का बिजनेस आप स्टार्टअप करना चाहते हो, तो आपको इंक्यूबेटर में लगने वाली जो भी टेम्परेचर मैनेजमेंट है, ह्यूमिडिटी मैनेजमेंट है, उसके साथ साथ उसके क्रॉसिंग कराते समय ब्लड लाइन का कौन सा ध्यान देना होता है, इस सभी का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप खुद का पेरेंट स्टॉक नहीं रखते हो और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है कि मैं जल्दी से जल्दी एक मशीन खुद बनवा लूँ या फिर कहीं से लेके आऊँ और उसमें अंडे सेटर में लगा दूँ और बिजनेस चालू कर दूंगा, तो ऐसे में क्या होता है, आप बाहर से अंडे मंगवाते हो। जब कभी भी आप बाहर से अंडे मंगवाते हो तो क्या होता है, जो भी पर्सन आपको एक फर्टाइल अंडे बेचता है इंक्यूबेटर मशीन में लगाने के लिए, तो उसकी खुद की भी एक प्रॉफिट मार्जिन वहाँ पर ऐड हुई रहती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके अंडे का प्राइस आपको बहुत ज़्यादा महंगे में मिल जाता है। अगर इन केस उस अंडों की फर्टिलिटी हैचेबिलिटी कम निकली तो आपके मार्केट में जितनी भी चिक्स की प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन होगा, मतलब कई गुना आपके चिक्स की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ के आएगी क्योंकि आपकी हैचेबिलिटी कम आई होती है। तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, जब भी आपको इंक्यूबेटर मशीन का या फिर हैचरी का बिजनेस स्टार्टअप करना है तो एक छोटी सी 100-200 की होममेड इंक्यूबेटर मशीन अपने घर में बना लेना है। स्टार्टिंग के 4 से लेकर 5 महीने तक के उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे ही काम करना है, क्योंकि ज़्यादातर इंक्यूबेटर के बिजनेस या फिर हैचिंग का बिजनेस फेल होने के कारण एक ही है कि उनकी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने की वजह से उनकी हैचेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम आती है। साथ ही साथ कितने साइज का अंडा और कितने दिनों का अंडा मशीन में लगाना चाहिए, इनका भी उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता है। तो देखिए, स्टार्टिंग में आपको जो भी आपके घर में बनाई हुई इंक्यूबेटर मशीन है 100-200 अंडों की, तो उसमें क्या करना है, आपको टेम्परेचर -0.5 या फिर ह्यूमिडिटी थोड़ी सी कम, 5% से कम या फिर 5% ज़्यादा, इस हिसाब से हर 21 दिन के जो साइकिल होगा आपका इंक्यूबेशन का, हर साइकिल पे आपको कम या ज़्यादा करा के देखना है। तो इस हिसाब से जैसे आप 8-10 वो साइकिल निकाल लोगे एक्स की, तो आपको एक प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि कितने परसेंट हैचेबिलिटी आपको मिल रही है प्रॉपर इतना टेम्परेचर रख के और इतना ह्यूमिडिटी रख के। जिस भी टेम्परेचर पे -5 या फिर +0.5 या फिर +5% ह्यूमिडिटी या फिर -5% ह्यूमिडिटी, तो जो भी ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होती है, ये कौन से टेम्परेचर और कौन से ह्यूमिडिटी पे, वैसे तो आपको पता है कि 37.5
टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है और सेटर के समय में हमें 70 के आसपास में ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन ये बातें हो गई, एक पुस्तकी बातें हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर करते समय हमें उसमें थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग एरिया का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे जैसे सीजन चेंज होता है उसी हिसाब से हवा में जो भी ह्यूमिडिटी की मात्रा होती है वो भी कम या ज़्यादा होती है। तो सीजन के हिसाब से गर्मी में, बरसात के मौसम में और ठंड के मौसम में आपको ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करते जाना पड़ता है। तो पहले के स्टार्टिंग के 7 से 8 महीने में पूरी तरह से आप अपने होममेड इंक्यूबेटर पे ही काम कीजिए। जिस समय में आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे पिक पॉइंट या मतलब सबसे ज़्यादा हैचरिटी मिलेगी, तो उसके बाद आप एक नया बड़े साइज का इंक्यूबेटर मशीन का स्टार्टअप कीजिए। जैसे आपको आपके होममेड इंक्यूबेटर मशीन में 80% मिनिमम हैचरिटी मिल गई तो डायरेक्टली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो क्या होगा, अगर आप ये एक्सपीरियंस लिए बगैर डायरेक्टली अगर आप बड़ी मशीन बनाते हो या फिर बड़ी मशीन लेके बिजनेस स्टार्टअप करते हो, तो पहले के स्टार्टिंग के 7 से लेकर 8 महीने आपको यही बातें करने में चली जाएगी, तब तक कि आपको इनपुट के मुकाबले आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बड़ा बिजनेस स्टार्टअप करने के पहले आपको छोटे पैमाने पर इस तरह से घर में ही प्रैक्टिस कर लेनी है। दूसरी बात, आपको दूसरे के फर्टाइल अंडे नहीं लेना है, आपके खुद के अंडे होने चाहिए। मतलब आपके पास खुद का पेरेंट स्टॉक होना चाहिए। खुद का पेरेंट स्टॉक अगर आपका होगा तो आपसे मतलब उस पेरेंट स्टॉक से मिलने वाले अंडे की प्राइस भी आपको बहुत कम में गिरेगी, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम होगी, ठीक है ना। पेरेंट स्टॉक जब भी आप रखते हो तो आप उसमें और एक बात ध्यान में जरूर रखिएगा कि ब्लड लाइन का वहाँ पर बहुत मेन रोल होता है, ओरिजिनल ब्लड लाइन और सेकेंडरी ब्लड लाइन। जब कभी भी आप कोई बैच लाते हो, जैसे कि आपने मान के चलो 5000 की बैच लाई, तो वहाँ पर नियर अबाउट 50% फीमेल होते हैं और 50% मेल होते हैं। तो वही के मेल आपने रखे 5 मुर्गे के पीछे एक मुर्गा और बाकी के मुर्गे बेच दिए, तो मतलब क्या होता है, एक हिसाब से वो भाई बहन है तो उनकी ब्लड लाइन सेम होती है। तो इस केस में भी आपके हैचरबिटी अच्छी खासी आ जाएंगी, लेकिन कंपेरेटिवली जिनकी ब्लड लाइन मेल की और फीमेल की अलग होती है उनकी हैचरबिटी तो ज़्यादा आती है। उनका जो बच्चा एक से निकलता है वो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बगैर इनके जिनकी ब्लड लाइन पेरेंट स्टॉक की सेम होती है। तो ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप पेरेंट स्टॉक रखते हो तो आपकी मुर्गी और आपके मुर्गे का ब्लड लाइन अलग होना चाहिए। मतलब आपने लाए वाले बैच में से आप सिर्फ और सिर्फ मुर्गी रखे, पूरे मुर्गे बेच दीजिए, और जो कुछ भी आप मुर्गा खरीदते हो उसके लिए कोई दूसरी बैच मंगवाइए या फिर किसी दूसरे यहाँ से आप मुर्गे खरीद के लाइए, जिससे कि क्या होगा कि मुर्गे का ब्लड लाइन अलग हो जाएगा और मुर्गी का ब्लड लाइन अलग हो जाएगा। तो इससे इनकी जब भी क्रॉसिंग होगी तो एक अच्छे नस्ल के अच्छे स्ट्रांग बच्चा आपका एक से निकलेगा। साथ ही जब भी आप अंडों का प्रोडक्शन कराते हो और अंडे इंक्यूबेटर मशीन में सेट करा के जब चिक्स का प्रोडक्शन कराते हो, तो हर बैच के कम से कम 100-200 मुर्गियाँ अपने बैच में जरूर रखेगा, 3 महीने तक के उनको पालेगा। मतलब आपको आपके खुद के ही चिक्स की एक समझ में आ जाएगी स्पेसिफिकेशन, इनकी मोर्टेलिटी परसेंटेज कितना है, इनकी चिक्स की क्वालिटी कैसी है। क्योंकि जैसे आप इंक्यूबेटर मशीन का या फिर हैचिंग का बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो आपको कभी कभार कंप्लेंट्स भी आती है, कभी कभार अप्रिशियंस भी मिलते हैं। जब कभी भी कंप्लेंट्स आती है, अगर वो बोलता होगा कोई पर्सन कि आपने दिए हुए बैच में से मेरे 20% 30% तक के मोर्टेलिटी हुई, तो उसी रेशियो में आपने रखे वाले 100 से लेकर 200 चिक्स में भी मोर्टेलिटी होनी चाहिए। तो आप एक श्योर हो जाओगे कि ये जो अगला वाला पर्सन बोल रहा है वो सच बोल रहा है। और अगर आपके बैच में मोर्टेलिटी उतनी नहीं हो रही है, बस 2 से लेकर 3% मोर्टेलिटी, और अगला वाला पर्सन अगर आपको बोल रहा है कि 20 से लेकर 30% आपके चिक्स में मोर्टेलिटी है, तो आप उसके दावे को खारिज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक प्रैक्टिकल प्रूफ उस समय में होगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातों का आपको ध्यान में देना होता है। तो अगला वीडियो मैं डेडिकेटेड इंक्यूबेटर मशीन के पे बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा कमेंट आए तो एक प्रॉपरली इंक्यूबेटर मशीन का बिजनेस किस हिसाब से करना है, टेम्परेचर की सेटिंग कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर में ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, कौन सी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, इन सभी बातों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।